a lot of what is published in the papers is actually just rubbish. इतना बेबुनियाद चीजें छपी हैं इसमें कि कम कुछ बोल ही नहीं सकते इसके बारे में. अब मैं बता रहा हूँ आपको क्यों मैं बोल रहा हूँ. ये आप फोटोज देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे ना, 2013 की फोटो है जो इमिजिएटली क्राइम के बाद में जो आई विटनेसेस थे थोड़े बहुत दाबोलकर मर्डर में, उन्होंने उनके डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ये दोनों फोटोज बने थे. और 2016 का जो दिख रहा है आपको, वो 2016 के भी वही लोग हैं जिन्होंने दाबोलकर का मर्डर किया, जिनका वो स्केच है वो सीबीआई ने बनाया है सेम विटनेसेस के बयान पे. दे लुक सिमिलर, डिस्क्रिप्शन बाय द सेम विटनेसेस टू टू डिफरेंट सेट ऑफ ऑफिसर्स मीन टू डिफरेंट फोटोग्राफ्स. उसको देख के जवाहरलाल नेहरू को तो ढूंढने नहीं गए. Now you see this chart, okay? Now first pair of people you see up there in the names, Manish Nagori, Vikas Khandelwal. These two people, the weapon was actually recovered from them and tested by forensics and confirmed to be the murder weapon, matching with the bullets found in Dabolkar's body. They are never charged. They are arrested and then let away. Then investigation goes nowhere. 2016 they say, we have identified two people. They were only the murderers, Sarang Apalkar, Vinay Pawar, and we charge sheeting them also. They charge sheeted them. Why 2016? Because at this time, they were charge sheeting the same people in the Pansare case also. Now the fun part is that these two guys have been missing for 6 years. They have been missing. So you file report on people who are already missing, to aapko dhoondna nahi padega na kisi ko. Aapko malum nahi hai kisne kiya hai. तो आप ऐसे लोगों का नाम ले लो जो आपको मालूम है ऑलरेडी मिसिंग है काफी साल से, और हम तो ढूंढ चुके हैं, वो नहीं मिलने वाले. एंड इन 2018 अनदर सेट ऑफ पीपल इन द सप्लीमेंट्री चार्जशीट आर नेम्ड एज द किलर्स. कितनी बार नाम बदले हुए हैं आप देख लीजिए, 5 बार नाम बदले हुए हैं किलर्स के, और उसके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट है उसके भी नाम कितनी बार बदले हुए हैं. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज चार्जशीट. दो अलग चार्जशीट में दो अलग पेयर्स के नाम है. गोविंद बंसारे मर्डर केस में भी वही हुआ. 2016 में उन्होंने नेम किया एक समीर गायकवाड़ को, जो सनातन संस्था से जुड़ा हुआ पर्सन है, और बहुत सारे आर्टिकल्स छपे उनके ऊपर सेइंग दैट 50 मोबाइल फोन्स रिकवर्ड फ्रॉम हिम एंड ही वाज इन लिंक्स विद सो मेनी पीपल एंड ही हैड बोस्टेड अबाउट द मर्डर टू समवन एंड ही वाज चार्जशीटेड इन फैक्ट फॉर द मर्डर. व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट ईयर? After the charge sheet is filed, the minister stands up and says, we arrested him only on basis of suspicion and actually we don't have any evidence against him at all. And not only that, he was in Thane when the murder was happening in Kolhapur. Charge sheeted person hai ye. And then they name the same two people, Sarang Akolkar and Vinay Pawar, who are already missing.